जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो खुशखबरी क्या है? तो दोस्तों, जो भी SSC GD का फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे, जो मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में कि सर कब आएगी इसकी वैकेंसी, इस साल आएगी या अगले साल आएगी, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि SSC की वैकेंसी आने वाली है। कब तक आने वाली है, डेट क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, सारा बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन का दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हो उन तक मिले। तो चलिए बात करते हैं SSC GD की। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो SSC है, बोर्ड प्रक्रिया बहुत फास्ट कर रही है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग ले रही है और जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग में भेजने के मूड में है। क्योंकि जैसे आपका मैं बोला था कि इलेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले आपका ये फॉर्म निकालेगी, मतलब वैकेंसी निकालने वाली है SSC। वैसे ही हुआ। तो दोस्तों, वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कब से वैकेंसी आएगी। क्योंकि SSC बोर्ड ने कोर्स कैलेंडर जो होता है वो डाल दिया है कि कितने तारीख से वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपको 24 तारीख को, मतलब नवंबर में, ये वैकेंसी आने वाली है। पूरा कोर्स कैलेंडर डाल दिया है। मैं ये फिर बोल रहा हूँ आपको कि कितने तारीख को आपको आएगी, तो बताता हूँ मैं कि 24 तारीख, मतलब 24/11/2023 को आपकी SSC की वैकेंसी आने वाली है। इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है। आप CRPF SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ देख सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, स्टार्टिंग का, फिर मैं यही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग करने का नवंबर में है। 24 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, और लास्ट जो ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, लास्ट डेट मैं बता दूँ 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर को आप ऑनलाइन लास्ट कर सकते हैं अप्लीकेशन। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, फरवरी से मार्च 2024 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। जो भी इस बार जिनका भी नहीं हुआ है SSC GD में, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेहनत और कर दो। और कितनी वैकेंसी आने वाली है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं वैकेंसी बड़ी आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे कि 80,000 आएगी, 90,000 आएगी, 1,29,000 आएगी। मैं उनको बता दूं कि इतनी वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। और जितना भी वैकेंसी आएगी, इसका मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कितनी वैकेंसी, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलो इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, 40 या 30+ आएगी। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा एक दो दिन में, कल परसों में बना दूंगा वीडियो कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो फिलहाल वैकेंसी आने वाली है, खुशखबरी है। जिनका सिलेक्शन अब नहीं हो पाया है, वो निराश बिल्कुल नहीं हो, फिर से दोबारा फॉर्म अप्लाई करें। और जिसमें उनको त्रुटि हुई, जिसमें उनका कमी पाया, मतलब जिसमें उनको ऐसा लगा है जिस कारण से छटे हैं, उसको पूरा करें और जम के तैयारी करें। इस बार आपका जरूर होगा। बार बार मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि निराश नहीं होना है। होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, कितना भी मेहनत कर लो, कभी कभी लक भी आपका साथ अगर फेवर में नहीं है तो नहीं हो पाता। मैं अपने बारे में ही बताता हूँ, मेरा 3 बार नहीं हुआ, सब कुछ होने के बाद मेरी तुम्हें नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे हैं तो निराश हो जाते हैं, नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट भी मुझे आते हैं कि सर मेरा लगता है इस बार होगा ही नहीं, इस जन्म में होगा ही नहीं। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए, लगे रहिए, कंटिन्यूअस लगे रहिए, जरूर होगा आपका। आपने इतना मेहनत किया, थोड़ा सा और मेहनत करने की और ज़रूरत है। हाँ, एग्ज़ाम आने के बाद, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप मेहनत करोगे, उससे अच्छा अभी से ही मेहनत करो, अभी से ही रगड़ के तैयारी करो। इतना नंबर आए कि आपको किसी भी चीज़ में छाटने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी से ही लग जाओ मेहनत करने के लिए, चाहे वो रिटेन हो या फिजिकल हो, दबा के मेहनत करो कि इस बार मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए। मेरी दुआ आप सभी से है। तो दोस्तों, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आने वाली है, आपका नवंबर में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और दिसंबर 28 तारीख तक आपका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म अप्लाई करने का ऑनलाइन डेट 24 तारीख है, आप लोग अप्लाई कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम से तैयारी करोगे, अभी से लगो, मतलब अभी से ही लगे रहो। और बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा।
फल की चिंता नहीं करना है आपको, बस मेहनत करते रहना है। आज न कल आपका सक्सेस कदम जरूर चूमेगी, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। इसके अलावा कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने की आपको। इधर बहुत ज़्यादा ही ड्यूटी आ जा रही है हम लोगों की, जिस कारण से टाइम ही नहीं मिल पा रहा आप लोगों के कमेंट पढ़ने का, जवाब देने का। फिर भी मैं टाइम निकाल के थोड़ा बहुत वीडियो बना देता हूँ। तो फिर मैं यही बोलूँगा, कुछ भी कमेंट, कोई भी कमेंट है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।